गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आशा है सभी बढ़िया होंगे। अभी हम पहुंच गए अगुआडा फोर्ट। अगुआडा फोर्ट है ये अपना नॉर्थ गोवा में टॉप पे पड़ता है, और ये पूरा फोर्ट दिखाएंगे, यहाँ का व्यू दिखाने वाले हैं। अभी हम लोग हैं, ये टैक्सी स्टैंड है यहाँ का, ये पार्किंग है, पूरा गाड़ियों की पार्किंग। देखिए कितना क्राउड है यहाँ पर, चारों तरफ आप देखिए क्राउड ही क्राउड है। और तो गाइस अभी चलते हैं अगुआडा फोर्ट की तरफ। हुआ है लाइट हाउस और ये है अगुआडा फोर्ट। तो चलते हैं फोर्ट की तरफ। तो फाइनली गाइस अभी यहाँ पे हैं हम एंट्री गेट पे, और यहाँ से टिकट लेना है और चलते हैं फिर अंदर। व्यू पूरा व्यू दिखाने वाले हैं आपको, हमें आप वीडियो में बने रहिएगा, और आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करना। तो चलते हैं टिकट काउंटर की। तो फिलहाल अभी आ गए हम टिकट काउंटर की ओर, और ये है यहाँ का डिस्क्रिप्शन। आप इंडियंस से हैं तो 25 रुपीज़ का टिकट लगेगा, और फॉरनर्स के लिए 300 रुपये का है। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को टिकट की आवश्यकता नहीं है। तो गाइस अभी हमको लेनी है 3 टिकट और कुछ करते हैं। गाइस अभी हमने ले लिया है टिकट, और 3 टिकट लिया है 3 पीपल से, और हमको 75 रुपीज़ लगा है। ये टिकट काउंटर है, आप यहाँ से टिकट लीजिए और हो गया, फिर चलते हैं। बस एक चीज़ का याद रखना है आपको, आप फोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो पानी की बोतल ज़रूर कैरी करना, काफ़ी बड़ा है और धूप के कारण प्यास लग सकती है, तो अंदर कुछ मिलने वाला नहीं है। चलते हैं, चेक इन आ गए हैं यहाँ, टिकट से भैया चेक करेंगे। ये है अपना पानी, आप पी सकते हैं, पी सकते हैं। गाइस अभी आ गए हम मेन एंट्रेंस पे, मेन गेट है, यहाँ से अब प्ले का आरंभ हो जाएगा इस फोर्ट का। एंट्री गेट जो मेन गेट है ये है इधर, और ये मैप बना हुआ है और इसका सब कुछ लिखा हुआ है। ये है यहाँ से एंट्री, ये आप टिकट चेक कराइए और अंदर आप चेक इन कर सकते हैं। चलते हैं, ये है मेन गेट और यहाँ से एंट्री करेंगे। आ गए अगुआडा फोर्ट में, और ये है यहाँ का लाइट हाउस, ये फेमस लाइट हाउस था अगुआडा फोर्ट का। ये आप देख पा रहे होंगे ये अगुआडा फोर्ट का।
फाइनली फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं सी व्यू पॉइंट पे। ये देखिए कितना बेहतरीन व्यू आने वाला है। ये देखिए पूरा ये अरेबियन सी। आपको यहाँ बैठिए तसल्ली से 10-20 मिनट शाम को आइए, बहुत अच्छा लगने वाला है। ऐसा लग रहा है कि हम अरेबियन सी को निहारते हैं। ये देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगा, जहाँ तक आपको दिख रहा है पूरा अरेबियन सी। ये देखिए गाइस, ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ बैठिए, पूरा व्यू देखिए। 10-15 मिनट आप दे सकते हो, ये है पूरा व्यू। तो गाइस ये देख पा रहे हैं, ये है पूरा व्यू अरेबियन सी का, और ये है अपना फोर्ट, अगोडा फोर्ट। आप आइएगा, गोवा में है तो आपको अगोडा फोर्ट आना है तो आप आ सकते हैं। बहुत बेहतरीन जगह है, आप अरेबियन सी का और पंजिम का व्यू यहाँ से आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये है पूरा, इधर इन लोगों ने ये तहखाने बना रखे हैं। ये मेन एंट्रेंस रहा करती थी और ये यहाँ से ये लोग अंदर जाते थे और अपना स्टोरेज वगैरह और वाटर बॉडीज उन्होंने बना रखी थी। पानी के स्टोर के लिए भी नीचे रखा गया है ये सारी। और इधर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आप इसको जेल भी बना रखा था इन लोगों ने, तो यहाँ कन्वर्ट कर रखा था कुछ दिनों के लिए। और ये देखिए, ये है यहाँ की सिक्योरिटी के लिए, अभी जाली लगा दी है ये लोग। यहाँ सिक्योरिटी के लिए तोप वगैरह लगा दिया करते थे, तो अभी उनको रिमूव कर दिया है और इन सबको ब्लॉक्स को बंद कर दिया है। ये देखिए गाइस कितना मेंटेन कर रखा है, गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सुपीरियर क्वालिटी का इन लोगों ने यहाँ मेंटेनेंस कर रखा है। ये रेलिंग लगा दी है सिक्योरिटी के लिए, पहले नहीं थी, आज से 10-12 साल पहले मैं जब आया था तो ये चीज़ नहीं लगाई थी इन्होंने, अभी रेलिंग वगैरह को सबको लगा दिया है। बहुत विजिटर आए हुए हैं, गोवा क्रिसमस टाइम है इस टाइम। ये देखिए क्या व्यू है भाई, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये इसको गहराई में इसमें पानी भर दिया जाता था सिक्योरिटी के लिए कि कोई प्रवेश ना कर पाए किले पे या कोई हमला ना कर दे, और हमला कर दे तो इसमें पानी में डूब कर उसकी मौत या उस पर पत्थर फेंक दिए जाते थे। तो ये है हमारा इंडियन फ्लैग, ये देखिए, ये है अपना फ्लैग, ये है पूछा पीछे पूरा अरेबियन सी। और इसको गार्डन को मेंटेन कर दिया है लोगों ने और इसको रिनोवेट करके काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन बना रखा है। मात्र 25 रुपये की टिकट्स में आप और क्या लेना चाहेंगे भाईस। ये देखिए, अरे भाई ये लोग ना इतने बेहतरीन डांसर थे, मुझे लगा कि आपको ज़रूर दिखाना चाहिए भाई। ये देखिए आप इस टैलेंट को क्या बोलेंगे, एक आसी गुंडे भाई। टैलेंट किसी भी स्किल में हो, आपको इसको दिखाना है तो आप, मुझे इनके डांस देख के ऐसा लगा था कि मुझे बिना स्किप किए हुए आपको ये पूरा डांस दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कमाल का डांस किया था भाई इन लोगों ने। पूरे जो लोग यहाँ टूरिस्ट थे सब लोगों ने अपने फोन निकाले और इनकी वीडियो को कैप्चर करने लगे। कैप्चर करने लायक टैलेंट है भाई। अगोडा फोर्ट का ये लाइट हाउस और इधर रडार लगा है। ये देखिए व्यू, इंडियन फ्लैग, भारत की आन बान शान। और ये एक और शॉट में दिखाने वाला हूँ आपको ढंग से होगा, ये लगा था ये भी डाल देना चाहिए। एक हाथ सिर पर पत्थर पे, वो भी नुकीले पत्थरों पे घूमना। ये लाइट हाउस और यहाँ पे पोस्टर्स लगा रखे हैं। ये सब देखने के बाद हम चलते हैं आगे की ओर, एक और नए ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, वॉच दिस वीडियो।